हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के नए वीडियो लेक्चर में। आज जो कविता हम आप सबके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर, जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश की क्लास 11th के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है, जिसे लिखा है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन काल 1770 से 1850 ईस्वी के मध्य रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाकर रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी। इनको पोएट ऑफ नेचर या फिर लेक पोएट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कविता जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर, इसका एक और भी टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है और वो टाइटल है थ्री इयर्स सी ग्रो इन सन एंड शावर। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे और फिर इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे हम। इस कविता में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी का चरित्र दिखाया है कि कैसे प्रकृति उसका लालन पालन करती है, लेकिन अल्पायु में ही लूसी जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लूसी का चरित्र एक रहस्य था और आज भी है, क्योंकि कवि के जीवन में लूसी किसी भी महिला से मेल नहीं खाती है। लूसी की उत्पत्ति या पहचान के बारे में कवि ने कभी कुछ भी नहीं बताया है, इसका खुलासा उसने कभी नहीं किया। कुछ लेखकों और आलोचकों का यह मानना है कि लूसी का चरित्र उनकी बहन डोरोथी पर आधारित है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लूसी किसी एक व्यक्ति का चरित्र ना होकर के विभिन्न लोगों के अलग अलग चरित्र को मिलाकर बनाई गई एक रचना है। कुछ आलोचकों का मत है कि लूसी एक साहित्यिक कल्पना है जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन लूसी एक व्यापक आकृति को रिप्रेजेंट करती है जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को रोमांटिक फॉर्म में प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर के लूसी प्राकृतिक सौंदर्य की एक अनुपम रचना है जिसे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जीवंत रूप प्रदान करके उसे शाश्वत काल के लिए अमर बना दिया है। तो ये रहा लूसी और इस कविता का संक्षिप्त परिचय। चलिए अब इस कविता को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। कविता का पहला स्टैंजा है थ्री इयर्स शी ग्रो इन सन एंड शावर, देन नेचर शेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। कविता की ये जो ओपनिंग पहली लाइन है वो इस कविता का टाइटल भी है। तो कवि कहता है थ्री इयर्स, तीन साल, सी ग्रू, वह बड़ी हुई, इन सन एंड शावर, धूप में और बारिश में, यानी कि प्रकृति की गोद में खेल करके तीन साल तक लूसी बड़ी हुई। देन नेचर शेड, और तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर, कि यह एक बहुत ही खूबसूरत फूल है, ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, जो कि इस पृथ्वी पर इस प्रकृति में पहले कभी नहीं बोया गया। अर्थात तीन साल तक लूसी प्रकृति की सुंदरता के बीच बड़ी होती है और तब प्रकृति खुद ये कहती है कि लूसी जितना सुंदर फूल आज से पहले कभी इस पृथ्वी पर नहीं बोया गया, अर्थात आज से पहले कभी इतनी सुंदर बच्ची का जन्म नहीं हुआ। This child, इस बच्ची की I to myself, मैं स्वयं will take, देखरेख करूंगी, इस बच्ची की मैं स्वयं देखरेख करूंगी, ऐसा प्रकृति कहती है। She shall be mine, वह मेरी होगी, and I will make, और मैं उसे बनाऊंगी a lady of my own, अपनी स्वयं की एक महिला। अर्थात प्रकृति खुद ये कहती है कि वह स्वयं इस फूल सी बच्ची की देखरेख करेगी, यह बच्ची प्रकृति की होगी और प्रकृति उसे सर्वोत्तम संस्कारों के साथ एक भद्र महिला बनाएगी।
Myself will too, my darling, be both law and impulse, and with me, the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overshing power to kindle or restrain. Myself will too, मेरी स्वयं की होगी, my darling be, मेरी प्रिय बच्ची, अर्थात लूसी मेरी अपनी प्रिय बच्ची होगी. Both law and impulse. Law का मतलब है अनुशासन, impulse का मतलब है उत्तम विचार, उत्तम भावनाएं. तो प्रकृति कहती है कि लूसी जो है वो मेरी अपनी खुद की बच्ची होगी और उसमें अनुशासन और उत्तम भावनाएं होंगी. अनुशासन इसलिए ताकि वह कभी कुमार्ग पर न जाए, और उत्तम भावनाओं से मतलब है कि उसमें नैतिक गुण होंगे. एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, वो बच्ची, इन रॉक, पहाड़ियों पर, एंड प्लेन, और मैदानों में, इन अर्थ, पृथ्वी पर, एंड हीवन, और स्वर्ग में, यानी कि आकाश में, इन ग्लेड, पेड़ों के बीच की जो खुली जगह होती है उसको कहते हैं ग्लेड. तो पेड़ों के बीच में, एंड बावर, और पेड़ों के नीचे की जो छांव होती है उस जगह पर. वैसे बावर कहते हैं कुंज को, कुंज की गलियां आपने सुना होगा, तो कुंज को हम बावर कहते हैं. तो इन सारी जगहों पर जब लूसी मेरे साथ होगी, सेल फील, तो वह महसूस करेगी एन ओवरशिंग पावर, एक अलौकिक शक्ति को, एक दैवीय शक्ति को. टू काइंडल, काइंडल का मतलब होता है उत्तम विचार या उत्तम भावनाएं, और रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब है रोकना. अर्थात प्रकृति के साथ लूसी पहाड़ियों, मैदानों, पृथ्वी और स्वर्ग में, या फिर आकाश में, खुले स्थानों और पेड़ों की छांव में भी एक दैवीय शक्ति का अनुभव करेगी, और सदैव उत्तम भावनाओं के साथ बुराइयों से दूर रह करके अनुशासित भी होगी, और इस तरह से प्रकृति उसे बड़ा करेगी. मतलब ये कि प्रकृति जो है वो लूसी के बारे में कहती है कि लूसी मेरी अपनी खुद की बच्ची होगी, और उसमें अनुशासन और सर्वोत्तम भावनाएं होंगी. वह जब भी मेरे साथ रहेगी तो वह एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करेगी, एक दैवीय शक्ति का अनुभव करेगी. शी शैल बी स्पोर्टिव. स्पोर्टिव का मतलब है चंचल स्वभाव का, उछल कूद करने वाला. एज फॉन, फॉन कहते हैं हिरन के बच्चे को. तो प्रकृति कहती है कि लूसी जो होगी वह हिरन के बच्चों की तरह से उछल कूद करने वाली होगी. दैट वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब वैसे होता है असभ्य, लेकिन हम लूसी को असभ्य नहीं कह सकते, उसे हम नादान कहेंगे. तो प्रकृति कहती है कि दैट वाइल्ड, वह नादान बच्ची, विद ग्ली, ग्ली का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, अक्रॉस द लॉन, लॉन का मतलब होता है घास का मैदान. तो प्रकृति कहती है कि वह नादान बच्ची घास के मैदान के उस पार प्रसन्नता के साथ उछल कूद करेगी. आर अब द माउंटेन स्प्रिंग, माउंटेन स्प्रिंग का मतलब है पर्वतों से गिरने वाले जो झरने हैं. तो पर्वतों से गिरने वाले झरनों के ऊपर घास के मैदान के उस पार लूसी जो है हिरन के बच्चे की तरह से उछल कूद करेगी. एंड हर्ष शैल बी, और इसके साथ ही वह होगी द ब्रीदिंग बाम. ब्रीदिंग का मतलब होता है कष्ट को सहन करना, और बाम का मतलब है आराम. वैसे ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ दूसरे सेंस में लेंगे. तो प्रकृति कहती है कि जो मेरी प्यारी लूसी होगी उसके अंदर चंचलता के साथ साथ कष्ट को सहन करने की क्षमता भी होगी. एंड हर्ष द साइलेंस, और इसके साथ ही उसमें एक प्रकार की शांति होगी. एंड द काम, और एक प्रकार की गंभीरता होगी. ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, इनसेंसेट का मतलब होता है बेसुध चीजें, यानी कि जो जिसमें होश ना हो. तो प्रकृति कहती है कि मेरी जो प्यारी बच्ची लूसी होगी उसके अंदर चंचलता के साथ साथ कष्ट को सहन करने की क्षमता भी होगी, उसमें एक प्रकार की शांति होगी, एक प्रकार की गंभीरता होगी, ठीक उन वस्तुओं की तरह से जो कि बेसुध पृथ्वी पे पड़ी नजर आती हैं.
देखिए, इस स्टैंजा में कवि ये बताता है कि किस तरह से लूशी हिरन के बच्चे की तरह पहाड़ियों, मैदानों, झरनों आदि स्थानों पर उछलती कूदती हुई प्रसन्नचित होगी और उसमें इतनी प्रसन्नता होगी कि उसे होश ना हो उस प्रसन्नता का, और इसके साथ साथ वह हर दुख को सह भी सकेगी। और जिस तरह से निर्जीव वस्तुओं में मौनता और गंभीरता होती है, निश्चित रूप से लूसी चंचलता के साथ साथ इन छोटी छोटी निर्जीव चीजों से गंभीरता को भी सीखेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द विलो वेंड नॉर शैल सी फेल टू शी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, उड़ते हुए बादल, दियर स्टेट, उनका साम्राज्य, शैल लेंड टू हर, उसके लिए लाएंगे या उसे प्रदान करेंगे। क्या चीज, कहने का मतलब है अर्थात जब लूसी आसमान में यात्रा करेगी तो ये बादल उसके लिए अपने बादलों का तकिया प्रदान करेंगे, यानी कि उसे आराम पहुंचाएंगे। फॉर हर द विलो बेंड, अब देखिए विलो जो है एक वृक्ष होता है जिसकी टहनियां जो है बड़ी लचकदार होती हैं बेंत की तरह से। तो यहाँ कवि कह रहा है कि फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए जो विलो वृक्ष की शाखाएं हैं वो झुक जाएंगी, अर्थात जब लूसी जो है पृथ्वी पर जंगलों में भ्रमण करेगी तो विलो वृक्ष की लचकदार शाखाएं झुककर उसे गले लगाएंगी। नॉर शैल सी फेल टू शी, और वह कभी असफल नहीं होगी देखने में, इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि तूफान की गति में जब यह लूसी होगी, जब तूफान की गति में लूसी यात्रा करेगी तब भी वह प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकेगी। ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी। ग्रेस का मतलब है आकर्षण और माउल्ड का मतलब है रूप देना, मेडन्स का मतलब है कुंवारी स्त्री का। तो इसका अर्थ हम नीचे से देखेंगे, बाय साइलेंट सिंपथी, अदृश्य सहानुभूति के द्वारा, यानी कि पृथ्वी की एक अदृश्य सहानुभूति जिसे लूसी तूफानों में भी देख सकेगी और महसूस कर सकेगी, और यह सहानुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य इस कुंवारी लूसी के स्वरूप को विनम्रता, सभ्यता, स्वामित्व, शांति और आकर्षण का एक अनोखा रूप प्रदान करेगा। अर्थात समस्त प्राकृतिक शक्तियां लूसी के चरित्र को दुनिया के सामने सुंदरता और सहानुभूति के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिवलेट्स डांस दियर वे वर्ल्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इन टू हर फेस। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, रात्रि के तारे उसके लिए प्रिय होंगे, अर्थात रात्रि में ये तारे उसका पथ प्रदर्शक बनेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, लीन का मतलब है झुकाव और ईयर का मतलब ध्यान देना। इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, बहुत से रहस्यमय स्थान, अर्थात मध्य रात्रि के तारे लूसी के पथ प्रदर्शक होंगे और उसको प्रकृति के रहस्यमयी स्थानों को जानने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। वेयर रिवलेट्स डांस दियर वे वर्ल्ड राउंड, रिवलेट्स कहते हैं छोटी नदियों को और वे वर्ल्ड का मतलब अपने तरीके से या शैतानी करते हुए, अर्थात जहाँ पे छोटी नदियाँ कलकल करती हुई नाचती होंगी। एंड ब्यूटी बार्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग साउंड का मतलब है कलकल की जो आवाज है, अर्थात नदियों की कलकल आवाज से उत्पन्न सौंदर्य शैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में विद्यमान नदियों की कलकल आवाज और लहराते हुए फूलों की सरसराहट से उत्पन्न सौंदर्य लूसी के चेहरे पर दिखाई देगा। इस पूरे स्टैंजा का जो भाव है वो ये है कि मध्य रात्रि के तारे लूसी का पथ प्रदर्शक बनेंगे
और उसका झुकाव उन रहस्यमयी स्थानों की तरफ होगा जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जो है कलकल की आवाज के साथ जो है नृत्य करती होंगी। और प्रकृति में विद्यमान नदियों की इस कलकल आवाज और लहराते हुए फूल की सरसराहट से उत्पन्न जो सौंदर्य है वो लूसी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट हर वर्जिन बॉशम स्वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव वाइल सी एंड आई टूगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, वाइटल का मतलब जीवन प्रदान करने वाली और डिलाइट आनंद यानी कि प्रसन्नता की वे भावनाएं जो जीवन प्रदान करती हैं, यही प्रकृति की आनंद भरी भावनाएं सेल रेयर हर फॉर्म, रेयर का मतलब है उत्पन्न करना या पालन करना या फिर पैदा करना, हर फॉर्म उसके शरीर को। तो प्रसन्नता की यही जीवनदायिनी भावनाएं जो है लूसी के शरीर का निर्माण करेंगी। टू स्टेटली हाइट, अत्यधिक ऊंचाई तक, हर वर्जिन बॉशम, वर्जिन का मतलब कुंवारी लड़की और बॉशम, बॉशम का मतलब है वक्षस्थल, स्वेल, स्वेल का मतलब फूलना या बड़ा होना। तो कवि कहता है कि प्रकृति जो है उस कुंवारी लूसी के वक्षस्थल को बड़ा करते हुए उसे अधिक ऊंचाई तक उठाएगी। कहने का मतलब ये है कि लूसी अभी भी कुंवारी है, फिर भी प्रकृति उसके वक्षस्थल को बढ़ा करके उसे पूर्ण युवती बनाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, सच थॉट्स, इस तरह के विचार, ऐसे विचार टू लूसी, लूसी को आई विल गिव, मैं दूंगी, वाइल सी एंड आई टूगेदर लिव, जब हम और लूसी एक साथ होंगे, हियर इन द हैप्पी डेल, यहाँ इस सुंदरतम घाटी में। अर्थात जब लूसी और प्रकृति एक साथ इस सुंदर घाटी में रहेंगे तो प्रकृति लूसी को भौतिक और आध्यात्मिक विचार प्रदान करेगी और उसे पूर्ण युवती बनाएगी। Thus nature speak, the work was done, how soon my Lucy's race was run, she died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. Thus nature speak, इस तरह से प्रकृति कहती है, the work was done, उसका जो कार्य था वो अब समाप्त हुआ, अर्थात लूसी को जो पालने का उसका दायित्व था वह अब पूरा हुआ। देखिए अब तक जितनी भी लाइनें आपने पढ़ी है, हमने जो डिस्कस की है, वो सारी लाइनें प्रकृति द्वारा कही गई हैं, ये उसके विचार हैं, ये उसके कथन हैं। लेकिन अब जो आप आखिरी लाइनों में पढ़ेंगे उसमें कवि जो है अपना ओपिनियन देता है, वह पहली बार ये बताता है कि हाउ सून माय लूसीज रेस वाज रन, कि कितनी जल्दी मेरी लूसी की दौड़ समाप्त हो गई, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो गया। सी डायड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मेरे लिए छोड़ गई, दिस हीथ, यह वीरान, दिस काम, यह शांति, एंड क्वाइट सीन, और एक सन्नाटे जैसा दृश्य, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, और अपनी वो यादें जो कुछ भी वो थी, एंड नेवर मोर विल बी, और फिर कभी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अर्थात कवि बड़ी ही दुखद भावनाओं के साथ यह बताता है कि उसकी प्यारी लूसी बड़ी ही जल्दी इस दुनिया से चली गई और उसके जीवन को वीरान कर गई। अब उसके पास केवल लूसी के बिताए गए पलों की कुछ यादें हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। कवि को याद करने के लिए इससे ज्यादा उसके जीवन में और कुछ नहीं होगा, क्योंकि कवि ने जो पल उस लूसी के साथ बिताए हैं बस उन्हीं पलों की यादें मात्र कवि के साथ रह जाएंगी, इससे ज्यादा उसके जीवन में उसे याद करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कविता के इस अंतिम स्टैंजा में कवि ने बहुत ही इमोशनल फिगर प्रस्तुत किया है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है उन्होंने लूसी का, जिससे इस कविता को पढ़ने वाले हर पाठक के मन में एक दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है।
तो दोस्तों यही था कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है इसके भाव को समझने में, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके फिर से देखिए। मुझे विश्वास है कि आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है प्रांजल सीयूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।